It's been how long that you have taken the vaccine? Over 3 weeks now. तो एक पहन के दिखा देता हूँ आप लोग, कैसे लग रहे हैं बताना प्लीज। बता देखो आइसक्रीम कैसी है। What do you guys think about the maskless situation now? Hi guys, good morning. Rohan Virdhi here. Welcome to my channel. कैसे हैं आप लोग सब? हाँ, सही है। अभी अमेरिका मास्क फ्री हो गई है। ऐसा नहीं कि पूरी अमेरिका मास्क फ्री हो गई है, कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी भी हैं। वो क्या है इस वीडियो में बने रहिए, आप लोग को बताऊंगा। श्वेति और मैं ये वाली चेयर इधर ही जो भूल गया रात को, और पूरी ये जो चेयर है ख़राब हो गई है। होपफुली धूप आ जाए और सब सूख जाए, उसके बाद मैं साफ़ कर दूंगा इस चीज़ को। यहाँ पर मेरा एडिटिंग टेबल, इसकी भी बैंड बज गई, भूल गया था रात को। कुछ दिन से ऐसा लग रहा था कि यार समर वापस आ गया, मज़े करेंगे, बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये सब जैकेट्स वैकेट्स टी शर्ट्स, क्या बोलूँ इसको चुप कर जा भाई तो जैसा मैं बोल रहा था कि ये सब हुडीज़ वगैरह जैकेट्स वगैरह सब आदि मैंने पैक करके अंदर रख दिए, विंटर का सामान। बट अभी वापस से मुझे निकालना पड़ गया क्योंकि दो दिन से जो बारिश हो रही है, आपको क्या बताऊँ। बट इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो, बारिश होने के बाद कैसी ठंड होती है, कोजी कोजी थी, मन करता है कि सारा दिन सोता रहूँ, वैसी वाली ठंड है। तो ऐसा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल दिया है कि वैक्सिट और मास्क इट, मतलब कि या तो आप वैक्सीन ले लो या तो मास्क पहने रखो। मैं कल सुबह उठकर जिम गया और जिम जाते ही मैं एकदम शॉक में हो गया कि यार यहाँ पर सब लोगों ने मास्क उतार दिया। कुछ कुछ लोग थे, इक्का दुक्का लोग थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, बट मोस्टली मैक्सिमम लोगों ने मास्क निकाल दिया था। मेरी तो पहली डोज है, तो फिर मैंने तो मास्क लगा के रखा था क्योंकि मुझे अभी भी डर लगा रहता है कि यार कहीं कुछ हो ना जाए। ऑलमोस्ट सब लोगों ने मास्क निकाल दिया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आके बोल दिया है कि अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो आप अपना मास्क उतार सकते हो कुछ कुछ जगहों पर। वो कौन कौन सी जगह, वो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट आज वीडियो में पता करके रहूँगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि मेरी अभी भी सेकेंड डोज बाकी है। बट अभी ऐसा है कि घर बैठे बैठे आप लोग को बता नहीं पाऊंगा कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर चलते हैं और बाहर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है कि लोग अभी भी मास्क पहन रहे हैं। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने दावा किया है कि अगर आपने दोनों शॉट वैक्सीन के ले लिए हैं और दो हफ्ता वेट किया, उसके बाद आपको कोरोना वायरस होने के चांसेस बहुत कम है। अगर होता भी है तो एकदम माइनर सा होगा, जैसे नॉर्मल फ्लू होता है, आपकी जान नहीं जाएगी। और मेरा, विशाल का, सोफिया का, हम लोग का पहला डोज हुआ है, हम लोग मास्क पहनेंगे। रेशमा का सेकेंड डोज हुआ है, बट उसके बाद भी अभी दो हफ्ता वेट करना, बट एक हफ्ता हुआ है तो शी हैज़ टू वेयर मास्क। बट यहाँ पर जिन लोगों ने दोनों डोज ले लिए, दो हफ्ता वेट किया, उसके बाद वो लोग इनडोर्स कुछ कुछ जगह पर मास्क उतार सकते हैं, आउटडोर्स मोस्टली सारी जगह पर मास्क उतार कर जा सकते हैं। अभी जाते हैं, पहले तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पहले हम लोग? ये पहले जा रहे हैं डाउनटाउन, तेरा कुछ काम है ना? क्या कॉफ़ी क्या है वो, क्या नाम जगह का, नाम क्या है? अरे क्या कॉफी पीते, स्टारबक्स। तो पहले ज्यादा लोग तो नहीं है, बट मेरे पीछे दो लोग ही बैठे हैं जिन्होंने शायद वैक्सीन ले ली है, और इंडोर्स या स्टारबक्स में जब से कोरोना वायरस आया उतने टाइम के बाद आज मैंने पहली बार इंडोर स्टारबक्स में लोगों को बैठे हुए देखा है और बिना मास्क से। अभी भी हैंड सैनिटाइजर रखा है इन लोगों ने ना? इट्स बीन हाउ लॉन्ग दैट यू हैव टेकन द वैक्सीन? ओवर 3 वीक्स नाउ। सेम विद यू? About 2 weeks. पिछले दो दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि मुझे राजन चाचा की याद आ रही है। राजन चाचा हमेशा बोलते थे, रोहन बेटा तेरे मेरीलैंड वर्जीनिया न्यूजर्सी में इतनी बारिश नहीं होती है, अगर तू वॉशिंगटन स्टेट्स में रहता ना तो यहाँ पर तुझे पता लगता है 6 महीना बारिश होती है और 6 महीना नॉर्मल वेदर होता है, तो कितना वीडियोज़ बनाना मुश्किल होता है। 6 महीना इनडोर्स ही वीडियोज़ बनाने होते हैं और 6 महीना आउटडोर्स वीडियो बना सकते हैं। तो आज मुझे पता लग रहा है वॉशिंगटन स्टेट में इवन सोफिया भी रहती थी, तो वहाँ 6 महीने बारिश और 6 महीना नॉर्मल वेदर, 6 महीने से भी ज्यादा। और सुना है कि वहाँ पर लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत डिप्रेस रहते हैं लोग क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही वेदर दिखने को मिलेगा, और ऐसा नहीं है तो फिर हमेशा बारिश दिखेगा, तो ऐसा ही वेदर होता है। राजन चाचा को आई
सल्यूट के वो फिर भी कंटिन्यूसली वीडियोस डालते रहते हैं इवन स्टेइंग इन वॉशिंगटन. फाइनली हम लोग पहुंच गए यार अमेरिकन ड्रीम्स मॉल में, और मुझे मालूम है कि मुझे कवर करनी बहुत सारी जगह यहाँ पर, आप लोग को दिखाना है पूरा, बट आज उसके लिए नहीं आया. आज आया देखने के लिए कि कितने लोगों ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ है और नहीं पहना. तो जाते हैं अंदर और देखते हैं. मॉल में भीड़ तो ऐसी है जैसी पहले आया था. बहुत ही कम लोग मुझे दिखे जिन्होंने मास्क उतारे होते. जिन जिन लोगों ने भी वैक्सीन ले ली है उनका सारा प्रोसीजर हो गया, फिर भी वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ना आया नहीं है लोगों में कि हाँ बिना मास्क के फ्रीली वो लोग इतनी क्राउडेड जगह में घूम सकते हैं. बट हिम्मत ज़रूर आ गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है आज मॉल में. तो ये मेरे चश्मे जो गुम गए हैं, मैं हमेशा पहनता हूँ, वही ट्राई कर रहा हूँ. ये पता नहीं गुम गए, मिल नहीं रहे हैं. ये 175 के. तो अभी मैंने वो चश्मे लिए नहीं, पहले ढूंढने की कोशिश करूँगा कहीं अगर घर में या गाड़ी में किधर भी मिल गए तो ठीक है, फालतू के पैसा वेस्ट होना नहीं चाहिए. और मैं मॉल आया था सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है. अभी इन लड़की लोग के साथ आऊँगा ना तो यार ये तो होएगा ही मेरे साथ. अभी सब लोग गए शॉपिंग करने के लिए और मैं यहाँ बैठा हूँ. बोलो कुछ, आप लोग बोलो क्या करूँ नेक्स्ट टाइम. हो गया मेरा यहाँ पर शूट करके, तो मुझे घर जाना है. पिछले आधे घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ, ना किसी का कॉल आ रहा है कि भाई रोहन किधर है. इतना बोर हो गया कि यहाँ पर एक चैंप शोरूम में आ गया. यहाँ पर ये शूज़ देखे मैंने, अच्छे लग रहे हैं, कॉन्वर्स, और कुछ $70 के हैं. तो ये पहन के दिखा देता हूँ आप लोगों को, कैसे लग रहे हैं बताना प्लीज़. एक्चुअली ये टी शर्ट अच्छा लग रहा है, मैचिंग हो रहा है. बताओ नज़दीक. मैं अच्छा खासा नीचे बैठा हुआ था, रेशमा आई कहीं से उठ के, बोलती है चैंप चैंप है बाजू में, चल जाते. बोला ठीक है, यहाँ पर आया, $70 का खर्चा करा दिया. रेशमा ने देखा अच्छे शूज़ है, ले 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 ले. बोला ठीक है ले लेता. और एक बार मैंने ले लिया तभी के तभी पहनना ही मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ले लिया. कमेंट करके बताना कैसे है. 9 बज रहे हैं, मॉल बंद होने वाला है, अभी इसको आइसक्रीम खाने. आइसक्रीम तो होना ही चाहिए कभी कभी, इट्स ओके. खाना खाने का टाइम है, खाना खाने का. पर मुझे एक बात बोलो, यहाँ का मैंगो तो मैं ऐसे ले रही, पर जो इंडिया का मैंगो है ना, ओह माय गॉड सो गुड. मैं कभी नहीं, मैंगो आइसक्रीम इंडिया की बहुत अच्छी. और यहाँ पर हम लोग हेगेनदाज़ पे ले रहे हैं अभी. बता देखो आइसक्रीम कैसी है. मैं नहीं दूंगी. अरे बता ना. ये तुम हमेशा पूरा मेरा ये खा लेते. अरे देखो तो सही. बता 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 देखो कैसी है. खा के मैं आप लोग को रिव्यू देता हूँ कैसी आइसक्रीम. संभाल के तुम्हारे साथ उसकी जान जा रही है. तो पूरा खा लेते और ओ गॉड नहीं. अभी जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ, जाओ मेरा पूरा खा गए तुम. ये कौन खाया अच्छी मैंगो. मत बैठ. भड़क भड़क रही है. What's up guys? What do you guys think about the maskless situation now?
maskless situation. Yeah, like, are you guys vaccinated? Are you vaccinated? I'm vaccinated, yes. Fully vaccinated? Yes, I have two doses. That's why you're living out without a mask, right? Yeah, no. I have the thing on my phone. How do you feel about it? I just took my first shot, so... So, you have the mask though? Yeah, that's why I'm wearing a mask. Okay. Everyone took their shower or no? Yeah, everyone. So you don't need the mask? After you take the second shot, you need to wait for two more weeks. That's when you start taking the shot. Well, okay. I think it's time for us to go back to normal. Yeah, we should. Yes, we should go back to normal. Everyone get their shots, get vaccinated, so we can all go back to normal. So Stay safe. Did you guys shop today or what? No. We just came here from golf. Golf? Yeah. Did you enjoy it? It's good, right? Yeah. Yeah, one day I'm gonna come and I'm gonna cover all the stuff. Okay. Yeah, it's really all good. The best, guys. Bye. अच्छे थे वो लोग, शॉपिंग नहीं करने आए थे यहाँ पर. मॉल इतना बड़ा है ना कि आप लोगों को तो पता है, मैंने पहले भी मॉल वाली वीडियो बनाई है. वो लोग यहाँ पर आए थे गोल्फ खेलने के लिए, गोल्फ खेले और चले गए. अरे ब्रो, वो लड़का डर गया था एक्चुअली. उसने ना उसका फ़ोन निकालो, बोला आई हैव एवरीथिंग विद मी, आई हैव अ प्रूफ, आई टुक टू शॉट्स. तो हम लोग जब भी ऊपर चढ़ रहे थे ना स्टेयर्स पे, तो पीछे से बोल रहे थे ये वो सब्सक्राइब ये वो. तो मैंने बोला चल बात कर लेते हैं. डर जाते हैं हम लोग कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, वैसे हो गया उसके साथ बेचारे. तो मैं चला था, बोल दो दरवाजा, मैं चला थी. अपने को 2 घंटे से ज्यादा हो गया ना. हां 2 घंटे, 2 घंटे के अंदर रहते तो फ्री है, 2 घंटे के ऊपर है तो चार्जेस है. हां तो हम लोग 6 भर दो पैसा भाई चुपचाप से, कि भरना नहीं पैसा. नहीं $2 तो है. हां ठीक है, है ना. यस $2 सिर्फ का हाथ नहीं जा रहा है. 800 तो अगर आप लोग मेरे चैनल फॉलो करते हैं तो आप लोग को पता है हम लोग रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं. रेस्टोरेंट्स में ऐसा है कि आप बिना मास्क के बैठो, आराम से खाना पीना खाओ. होपफुली ऑल ओवर अमेरिका सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे बहुत जल्दी, बट कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लेना पसंद नहीं है. जस्ट इमेजिन कि अगर किसी एक बंदे ने वैक्सीन ली है, ओके, वो बंदे को कोरोना वायरस कैच करता है, थोड़ा हल्का फुल्का बीमार होता है, बट वो बंदा किसी और एक इंसान के कांटेक्ट में आता है जिसने वैक्सीन नहीं ली है, ओके. अभी जो ये कोरोना वायरस इस बंदे के अंदर आया था वो मॉडिफाइड होता है या क्या होता है अभी मुझे मालूम नहीं है. इस बंदे का क्या हाल होएगा अभी इसके थ्रू अगर इसको कोरोना वायरस होता है तो. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. क्या वो आदमी उतना ही बीमार होगा जितना पहले हो सकते थे या फिर उससे कम होगा. अभी मैं तो डॉक्टर नहीं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है. अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना कि क्या होगा. दैट्स अबाउट इट. आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आई हाईली अप्रिशिएट यू ऑल एंड दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग. आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ. प्लीज़ हो सके तो वैक्सीन ले लेना. पता है कि इंडिया में वैक्सीन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट अगर मिल रही है कहीं ना कहीं से भी, प्लीज़ जाके वैक्सीन ले लो. बाय बाय.